हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए ढाबा स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए दाल फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चाहिए एक कटोरी दाल और 2 से 3 कांदा जिसे हमने बारीक काट लिए, और 2 का टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिए, और धनिया 1 कटोरी, और कड़ी पत्ता और लहसुन और घी। घी के साथ हमें चाहिए गरम मसाला और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा हींग। दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को पका लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी दाल, साथ में हम लेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और 2 से 3 गिलास हम पानी लेंगे, और इसे एक साथ कुकर में डाल के इसे 4 सीटी बजने तक इसे पका लें अच्छी तरह से। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा दाल एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, और पकने के बाद आपको दाल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो आइए अब हम दाल को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। दाल फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी को डालकर गरम कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा घी एकदम अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई कड़ी पत्ता को ऐड कर देंगे, साथ ही में कटे हुए लहसुन को भी ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा लहसुन धीरे धीरे लाल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे हल्का गोल्डन फ्राई होने तक भून ले। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारा कांदा एकदम अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने दाल को पकाने के टाइम पे भी उसमें नमक ऐड किया था। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा कांदा टमाटर एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गरम मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक पका ले। इसे पकने दे, साथ ही में हम लेंगे जब दाल में तड़का लगाने के लिए 3 से 4 बड़े चम्मच घी को गरम कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरे को ऐड कर देंगे, उसके साथ ही में थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। इसी में अब हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारा दाल बनकर एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें छौंक लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा दाल फ्राई एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा दाल फ्राई बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके साथ ही इसकी गार्निशिंग हमने कटे हुए हरे धनिया के साथ की है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी
करती हूँ कि आप भी एक बार अपने घर पर जरूर बनाइए, और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।